हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी वर्ग 2 साइंस के जो हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे आपकी केमिस्ट्री वाला जो सेशन है, तो इसकी ये क्लास नंबर हमारी 4 रहेगी, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, तो इसमें धातु और अधातु जो आपका टॉपिक दिया गया है, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको पदार्थ की अवस्थाएँ, ठोस, द्रव और गैस, आपकी भौतिक अवस्थाएं और रासायनिक अवस्थाएं, तत्व, मिश्रण, यौगिक के बारे में क्वेश्चन करा दिए थे। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, उसमें पदार्थों की पृथक्करण की विधियों से संबंधित हमने क्वेश्चन किए हुए थे। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं धातु और अधातु से क्या कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आवर्त सारणी के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप पहले डिटेल्ड जो वीडियो डले हुए हैं प्लेलिस्ट में, उनको जा कर के देख लें, क्योंकि वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी जो आवर्त सारणी है उसमें किस तरीके से तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखा गया है, कितने आपके तत्व हैं, कितने आपके प्राकृतिक तत्व हैं, कितने कृत्रिम तत्व हैं, धातुएँ कहाँ रखी गई हैं, धातुओं की संख्या कितनी है। क्योंकि इतना पॉसिबल अब नहीं हो पाएगा कि आपको सारी चीज़ें हम यहां पर बता पाएं, क्योंकि आपके हर एक फैक्ट से क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो आप पहले जो हम रसायन विज्ञान के लेक्चर दे चुके हैं आपको, वो सारे वीडियोस देख लें। यहाँ हम क्वेश्चन केवल आपको बताने के जरिए मतलब कर रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको यदि अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने हैं तो आप पहले डिटेल वीडियोस देख लें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, यहाँ थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, आप यहाँ पर सुधार कर लें। यहाँ हो जाएगा आपका धातु अधातु से बनने वाले प्रश्न। ठीक है, ये आपके पिछले लेक्चर का ही डला हुआ है। यहाँ हो जाएगा आपका धातु और अधातुओं से बनने वाले प्रश्न, तत्वों या आवर्त सारणी से बनने वाले प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हैं। तो वर्तमान में जो आपकी आवर्त सारणी है जिसे हम पढ़ते हैं, इसके जनक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोंजले, कहीं कहीं मोंसले लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी है इसके बारे में देखेंगे, कई सिद्धांत दिए गए और किसी ना किसी यहाँ पर मतलब इसमें कुछ ना कुछ कमी रही, इस कारण से दूसरा सिद्धांत आता गया। ठीक है, तो पहला जो सिद्धांत यहाँ दिया गया, त्रिक सिद्धांत पूछ लिया जाता है, आवर्त सारणी का जो त्रिक सिद्धांत है वो किसने दिया। तो वो दिया था डॉव रेनर, या कहीं कहीं डॉवे रेनर लिखा होता है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, लेकिन इनका जो सिद्धांत था वो सीमित रहा और इस कारण से विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त नहीं कर सका, और कुछ समय के पश्चात इनका जो सिद्धांत है या इनका जो वर्गीकरण है, यह पद्धति त्याग दी गई। इसके बाद आपकी अष्टक नियम आता है, किसने दिया था, तो ये न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड के द्वारा जो अष्टक नियम है, इसमें भी कई त्रुटियां सामने आईं, जिस कारण से यह नियम भी अधिक प्रचलित नहीं हो सका और आगे चलकर इसे भी त्याग दिया गया। फिर आवर्त सारणी का यदि जनक पूछता है तो मेंडलीफ बताना है, और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक पूछता है तो आपको मोंजले बताना है। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी काफ़ी हद तक मान्य रही। ठीक है, इन्होंने जो आपकी आवर्त सारणी दी थी इसमें टोटल तत्वों की संख्या इन्होंने 63 बताई हुई थी, और इन्होंने इसमें 9 वर्ग बताए थे और 7 आवर्त बताए हुए थे। ठीक है, अक्रिय गैसों का आविष्कार मेंडलीफ नहीं कर पाए थे, और बहुत से तत्व जो हैं अज्ञात थे, उनके लिए इन्होंने रिक्त स्थान छोड़े हुए थे। फिर भी इनके जो आवर्त सारणी थी उसमें कुछ कमियाँ रह गई, दोष रह गए। जैसे क्या दोष था इनकी आवर्त सारणी में, पहला दोष, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद रहा। ठीक है, मतलब उचित स्थान नहीं मिल पाया था हाइड्रोजन को। दूसरी कमी रही कि इनकी आवर्त सारणी में जो आपके समस्थानिक होते हैं आइसोटॉप, इनके लिए भी कोई स्थान नियत नहीं था। इसके अलावा जो समान गुण वाले तत्व होते हैं उनको आवर्त सारणी के अंतर्गत भिन्न भिन्न वर्गों में रख दिया गया, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जो समान गुण वाले तत्व हैं उनको एक साथ रखना चाहिए था, तो ये कुछ कमी रही। इस कारण से ही जो मोंजले हैं इन्होंने वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी दी है। तो यहाँ पर अंतर पूछ लिया जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर क्या है, क्यों ये आधुनिक आवर्त सारणी आई। तो फर्स्ट तो अंतर यही हो जाएगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तैयार किया गया था, किसके परमाणु भार के, जबकि आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु संख्या के बारे में
मतलब बताया गया और परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में तैयार किया गया। ठीक है, दूसरा क्या था कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी इसमें कुल 9 वर्ग थे, जबकि मोजले की आवर्त सारणी में 18 वर्ग कर दिए गए हैं। ठीक है, तो वर्ग क्या होते हैं, आगे अभी हम एक क्वेश्चन के जरिए आपको सारी चीज़ें कवर करा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया आवर्त सारणी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग कितने आवर्त हैं, तो आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी की बात की गई है, तो इसमें जो टोटल आवर्त और वर्ग हैं उनकी संख्या 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं, तो आवर्त को ही आप क्षैतिज कतारें कहते हैं और आवर्त आपको बता दें ए कहलाते हैं। ठीक है, ए वाले आवर्त हो गए, कितने हैं, इनकी संख्या है 7। ठीक है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो जो आपकी ये क्षैतिज कतारें होती हैं इनको आवर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्त या क्षैतिज कतारें कहते हैं। तो इनकी संख्या है 7, मतलब सब में सेम नहीं है, 7-7 सब में नहीं है, आपको बता दें इस तरीके से बना हुआ है आपका, पहले ये 7 हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक कम जाएगा, फिर यहाँ पर 4-4 वर्ग आते हैं, तो इस तरीके से, तो 7 आवर्त हैं और 18 उदग्र जिसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, स्तंभ जिसे वर्ग भी कहते हैं, तो 18 वर्ग हैं। ठीक, अब जो आपका आवर्त सारणी है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बनेगा इससे कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या है। तो जो आवर्त बनते हैं तो इसमें पहले कितने आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 आवर्त हो गए। ठीक है, तो जो 7 आवर्त हैं इनमें आपकी क्षार धातुओं को रखा गया है, किसको, जो धातुएं होती हैं, तो पहले आवर्त के जो तत्व मतलब समूह है, पहला ग्रुप है, उसमें क्षार धातुएं हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो आपका आवर्त आता है इसमें इनकी संख्या 6 हो जाती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, यहाँ से तो इनमें क्षारीय मृदा धातुएं हैं। फिर इसके बाद आपके जो हैं संक्रमण धातुएं हैं, डी ब्लॉक के तत्व आते हैं, फिर इसके बाद पी ब्लॉक के तत्व आते हैं, और अंतिम जो आवर्त आता है आपका उसमें आपकी अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसों को रखा गया है। ठीक है, तो पूछ लेता है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या है, तो क्षार धातुएं हैं। प्रत्येक आवर्त का दूसरा सदस्य कौन सा है, तो क्षार मृदा धातुएं हैं। और अंतिम सदस्य पूछता है तो निष्क्रिय धातुएं हैं, और निष्क्रिय धातुओं की संख्या कितनी है, तो 7 है। ठीक है, वर्तमान में एक नई धातु भी खोजी जा चुकी है, निष्क्रिय धातु। तो निष्क्रिय धातु कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन करके। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य कोई निष्क्रिय गैस होती है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। तो आपकी मेंडलीव के में मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें कितने तत्व थे, 63, लेकिन वर्तमान में जो आधुनिक सारणी है उसमें 118 तत्व हैं। तो कुल ज्ञात तत्व 118 हैं, प्रकृति से जो प्राप्त हैं वो 98 और कृत्रिम तरीके मतलब मानव द्वारा जो तैयार किए गए हैं उनकी संख्या है 20। नेक्स्ट है सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पूछा है केवल तत्व, यहीं पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ सबसे हल्का तत्व की बात करते हैं तो वो आपका हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन हो गया। सबसे भारी तत्व आपका हो जाएगा तो वो कौन सा है, ऑस्मियम है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, तो फिर लिथियम है। कौन सा है, लिथियम है। एक क्वेश्चन बनता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तो वो एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन याद रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। तो ये हम पढ़ चुके हैं चालन विधियों में कि चालन चालक क्या कहलाते हैं, कुचालक क्या कहलाते हैं आपके। तो सबसे अच्छा चालक जो है, चालक तत्व है आपका चांदी। क्या है, चांदी, ना कि सोना, याद रखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कहें या चालक, वो चांदी है। विद्युत का सुचालक अधातु तत्व, तो ये आपका अपवाद रहता है, सभी अधातुएं विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, लेकिन आपकी एकमात्र जो अधातु है कार्बन, कार्बन का ये आपका क्या माना जाता है, अपर रूप माना जाता है, ग्रेफाइट, तो ये भी आपकी अधातु हुई। ठीक है, तो जो एकमात्र ग्रेफाइट है वो आपके विद्युत का सुचालक है, बाकी सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक, तो ये याद रखेंगे।
सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सोना है। आघात वर्धनीय क्या कहलाता है? तो ये धातुओं का गुण होता है, इससे पतले चादर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सोना हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। देखिए कैल्शियम जो है हड्डियों, अंडे के छिलकों और शंख मोलस्क का समुदाय का प्राणी है, इसका मुख्य अवयव है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी आपका कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो अयस्क आपको याद रखने हैं, कुछ इम्पोर्टेंट आपको बताए हुए थे, वही यदि आप रखते हैं याद तो सारे क्वेश्चन यहाँ से जो भी बनते हैं आप कर लेंगे, ठीक है। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। आप कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ फिर से अयस्क लिए हैं, बाकी आप इसके अतिरिक्त यदि और अयस्क पढ़ना चाहते हैं तो आप पिछले लेक्चर देख लें। सबसे पहले तो अयस्क होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। अयस्क क्या होते हैं, अयस्क में जो अशुद्धि मिलती है गैंग करके वो क्या कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अन्य चीज़ें जैसे हो गया आपका धातु मल क्या कहलाता है, निस्तापन क्या कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ अयस्क की बात की गई है, तो अयस्क क्या है? जिस खनिज में धातु का पर्याप्त प्रतिशत हो तथा जिससे शुद्ध धातु सरलता से और सस्ते में प्राप्त की जाती है उसे अयस्क कहते हैं। मान के चलिए कोई हमने कहीं पर भी खुदाई की, वहाँ पर कोई खनिज निकला, मान के चलिए निकला खनिज लोहा, ठीक है, जैसे लोहा निकला, ठीक है। अब जो लोहा खनिज है इससे लोहा प्राप्त करना तो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है, परंतु यह लोहे का अयस्क भी नहीं है। लोहे का अयस्क आयरन पाराइट, जिसे झूठा सोना कहते हैं, ठीक है। अब कुछ अयस्क हैं जैसे एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं, तो ये इम्पोर्टेंट ही हमने यहाँ लिए हैं, बॉक्साइड, कोरंडम, नीलम और क्रायोलाइट। पूछ सकता है नीलम किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का, या एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क नहीं है, तो चार ऑप्शन देगा, एक दूसरा दे देगा। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम, कैल्शियम के अयस्क हैं जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोराइट, इनके सूत्र भी आपको बता चुके हैं। सोडियम के अयस्क हैं बोरेक्स, सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, मतलब इसमें ऐसा हो जाएगा बोरेक्स, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, ये सब के सब आपके किसके अयस्क हैं, आपके सोडियम के। इसके अलावा सोडियम से एक क्वेश्चन और बन जाता है, पूछ लेते हैं कि मिट्टी के तेल में या केरासन तेल में डुबोकर रखा जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो भी आपका सोडियम ही है, क्योंकि जो सोडियम होता है यह जल्दी से क्या हो जाता है, जल लगता है, मतलब इसको जल के साथ ये तीव्रता से क्रिया कर लेता है, ठीक है। तो इस कारण से इसको जो है केरासन तेल के अंदर डुबो करके रखा जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम के अयस्क, मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, कार्निलाइट। नेक्स्ट है सिल्वर, जिसे चांदी कहते हैं, अयस्क है अर्जेंटाइट। टिन का अयस्क क्या है, तो गैलना है। मरकरी, पारे का अयस्क है सिनेवार। नेक्स्ट है आपका लोहे के अयस्क, लोहे जिसे आयरन कहते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाराइट। लोहे का जो चुंबकीय अयस्क है वो मैग्नेटाइट माना जाता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चार कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर ये नहीं बताया कि किसके बारे में एक असत्य कथन। अब हमें एक क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा, सभी धातुएँ तन्य होती हैं, मतलब तन्य का मतलब है धातुओं को खींच करके लंबे तार बनाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। सभी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, बिल्कुल ये भी आपकी धातुओं का गुण है, मतलब धातुओं को खींच करके चादर बनाई जाती है। सभी धातुएं चमकीली होती हैं, बिल्कुल ये भी आपका धातु का गुण है, जिसे धातुई चमक कहते हैं, तो ये भी सही है। फिर दिया है सभी धातुएं क्षणभंगुर होती हैं, तो ये गलत दिया है, क्योंकि ये धातुओं का गुण नहीं होता, ये तो अधातुओं का गुण है। और अब हम यहाँ बता सकते हैं कि पूछा क्या गया है, असत्य कथन यही पूछा है, ये तीन धातुओं की विशेषताएं हैं लेकिन चौथी अधातु की विशेषता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अधातुएं क्षणभंगुर होती, मतलब इनको यदि हम छूते भी हैं तो ये चूर चूर हो जाती हैं, टूट जाती हैं यदि इन पर हम प्रहार करते हैं, ना कि धातुओं में ये गुण होता है, ठीक है। अब देखिए क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं, तो समूह दो के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं, अभी बताया। समूह एक के तत्व को क्या कहेंगे, तो समूह एक के तत्व को क्षारीय धातुएं कहते हैं, समूह दो के तत्व को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। अब यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, देखेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्षार धातुएं समूह एक के तत्व हैं और क्षार मृदा धातुएं समूह दो के तत्व हैं। अब पहली क्षार धातु यदि आपसे पूछता है तो आप देखेंगे हाइड्रोजन होता है,
फिर होता है लिथियम। तो हाइड्रोजन आपकी क्षार धातु में नहीं गिनी जाती, सबसे हल्की क्षार धातु पूछता है तो आपको बता देना है लिथियम आपकी सबसे हल्की क्षार धातु है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है सबसे कम क्षारीय मृदा धातु कौन सी है, तो क्षारीय मृदा धातु समूह दो के तत्वों को कहते हैं, तो सबसे छोटी जो है वो है बेरिलियम, BE, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम आपको धातुओं से ही संबंधित कुछ और क्वेश्चन करवा देंगे कि क्या कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका टॉपिक दिया गया है जैसे अणु परमाणु है तो उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको बता देंगे। इससे पहले आप जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें हमने धातु अधातु आपकी आवर्त सारणी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखें। थैंक यू।